हमारी दूर की एक मौसी है, वो आ रही है। आप गाइस को बताओ कि हमारी दूर की एक मौसी आ रही है। मौसी अच्छे से खाना, किसी चीज की कमी नहीं है। मजाक बना रहे। मौसी की विदाई हो रही है। नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं आपका होस्ट दोस्त दिल्ली के सारांश। तो गाइस, अब से विंटर वेकेशन शुरू हो गई है और ये आप जो बैग्स देख रहे हैं ना, ये मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। ये मेरे बैग्स हैं। ये पीनू से मैं बहुत परेशान आ गया हूँ। पीनू बहुत मेरे को परेशान करता है, मम्मी बहुत डांटती है, इसलिए घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ भाई, सब जा रहे हैं घर छोड़ के। न्यू ईयर है तो कहीं बाहर जा रहे हैं, तो सरप्राइज है। कहाँ जा रहे हैं वो हम बाद में। आगरा नहीं जा रहे। आगरा नहीं जा रहे भाई, हाँ ये सोच लेना, आगरा नहीं जा रहे। तो और आज थोड़ा घर साफ सुथरा रखना है, क्योंकि घर में मेहमान आ रहे हैं। हमारी दूर की एक मौसी है, वो आ रही है। असमत के मौसी आ रही है। मम्मी को बुला ले, मम्मी से पूछो, मम्मी मम्मी कहाँ, देख के आते हैं मम्मी कहाँ। आप गाइस को बताओ कि हमारी दूर की एक मौसी आ रही है। अरे तू मुझे क्यों दिखा रहा है? अरे कोई नहीं, सबको पता तुम बाल काले अभी कर रही हो। मौसी भी देख लेंगी ना, तो उसमें कोई वो नहीं है, बुराई कलर सब करते हैं। क्या मतलब वो भी करती हैं? मेहंदी लगाती है। अच्छा ठीक है। अरे यहाँ पहले मैंने, अच्छा टॉपिक मम्मी कौन आ रहा है बता दो जरा। मौसी आ रही है, नाम नहीं बताना, नाम नहीं बताना। आ रही है मेरी बहुत अजीज बहन, बहन अजीज ही कहेंगे, क्या कहेंगे? अजीज, अजीज, सॉरी कजीज। उर्दू नहीं आती मत बोलो, इसे मीन लगे बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइस बहुत दिनों बाद वो मेरे आ रही है और मेरे को खुशी इतनी है कि मैं कलर पता नहीं कौन सा लगाऊं, ब्राउन ब्लैक समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने कल मैंने क्या कहते हैं, कल लगाना था, पर मैं आज ही लगा ले रही हूँ उसके आने की खुशी में, क्योंकि वो भी तो मुझे अच्छा अच्छा देखे। और मैंने उसके खाने की क्या क्या तैयारी करी है, सारा शर्मा दिखाएगा। हाँ। चुकी है इसमें, तो दाल है मैं पीऊंगा क्योंकि मैं पकोड़े वकोड़े नहीं खाऊंगा। इसमें है बैंगन, इसमें हाँ पकोड़े की तैयारी है, इसके नीचे साबुदाने, इसके नीचे साबुदाने के बड़े की तैयारी। और ये प्याज है क्योंकि प्याज के पकोड़े बनेंगे। और ये चाय पापा की रखी है, पापा पी लेंगे, पापा ने चावल भी खा लिए। और सुबह सुबह घर भी साफ हुआ है, सब हुआ है। वो जूसर वो रखा, अभी मेरे को उसे पैक करना है, टाइम मिला तो पैक कर दूंगा। और मम्मी ने संतरे और ले लिए हैं, ये अच्छी बात है, बहुत मीठे संतरे हैं। यार अभी खाता हूँ एक, भूख लग रही है। अभी डार्क चॉकलेट खाइए, संतरे मत खा भाई, अभी चॉकलेट खाइए भाई। पीनू लाया था डार्क चॉकलेट, बहुत ज्यादा बढ़िया थी, फिर पीनू पे लास्ट पे खबी नहीं, उसने मेरे को एक पीस एक्स्ट्रा और दे दिया। दो दिए थे फिर एक और दे दिया। चलो इसी के साथ हम, भालू जा रहा है हाइबरनेशन के लिए अपनी गुफा में। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस। और ये रही भालू की गुफा, चार्जिंग का बटन ऑन है। ये रहा भालू के फोन का चार्जर, भालू के फोन। और ये रहा भालू का सबसे प्यारा दोस्त। हाँ, और ये रहा भालू का सबसे प्यारा दोस्त, ए शेरू मेरा शेरू। इसकी आंख को देख, किसने तोड़ी थी जो लास्ट टाइम आया था? नाक, सॉरी नहीं, नाक तोड़ दी थी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे भाई, मम्मी ने भेजा है छत पे कपड़े डालने के लिए इतनी ठंड में। परल की खासी धूप भी निकल रही है, मज़ा आ रहा है, हवा चल रही है, इसलिए घूंघट डाल लेते हैं ताकि कोई पहचाने नहीं। तो चलो शुरुआत करते हैं यार, मन तो करता नहीं ठंडे ठंडे कपड़ों को हाथ लगाने का, पर क्या करें, मम्मी ने काम दिया और मौसी आने वाली है अभी। फटाफट से कपड़े सुखा के चलते हैं। और आज मेरे स्कूल में कुछ फेस्ट वेस्ट लगा हुआ है शायद, मैं तो छत पर से खड़े होकर देख लेता हूँ, पता नहीं किसके मैसेज आ रहे हैं, देखता हूँ। चलो बात करता हूँ सबसे। A few moments later, कबाबदार पनीर चाप, ये सब नहीं है गाइस, साबुदाने के बड़े हैं और प्याज के पकोड़े हैं। हाँ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। हमारी मौसी जी आ गई है, मौसा जी के साथ। मौसी अच्छे से खाना, किसी चीज की कमी नहीं है। बहुत टाइम बाद गाइस, बहुत टाइम बाद हमारी मौसी आई इधर। सब सुबह सुनते रह रहा, मेरी मौसी आ रही है, बहुत देर बाद आ रही है, अब वो आती। एक दिन फोटो निकाल के दिखा दे। तुम दोनों को भरत मिला अब? मम्मी तुम बहुत दिनों के बाद गोरी लग रही हो। चल
खुश नहीं लग रही, गोरी लग रही हूँ। नहीं, दिन से लोग कह रहे थे मैं वैसी लग रही हूँ, ऐसी लग रही हूँ, तो कोई बात नहीं। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? वो ड्रोन देख रही हूँ, बिट्टू का ड्रोन शूट है ना। मंगा लो मंगा लो। वो तो कह रही हूँ, अब ऊपर जाएगा पूरा, ऊपर से नीचे तक शूट करेगा पूरा। देख पूरा कैप्चर हो गया उसमें ड्रोन से। तो ड्रोन से पूरा ही होता है, ऊपर से लोगी तो नहीं। हमने आज तेरी लिए बना पाई, बता रही है। अब शाम में भी जा रही है, बुरा लगता है ये वाला दिन। भैया आप ना गुना द चढ़े आओ जगी अरे तुम्हारे से पकड़ के मजा बना रहे। मौजी की विदाई हो रही है तुम्हारे से। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। नहीं जाना मुझे। जाओ भी मत जाओ छोड़ के ऐसे। अरे बाहर तो जाओ। अरे यार सच में कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है यार। हंस रहे यार। तुम लोग सूट लेके और वापस सूट लेके। हाँ यार ये वाला टाइम ना गाइस, सच में ये वाला टाइम ना ऐसे बहुत ज़्यादा दुख देता है ये पर। लेकिन चलो भैया ने तुझे मिला दिया, ये हाँ। भी हुई बहुत अच्छी बात है। अब एक महीने की डोज मिल गई, एक महीने की डोज मिल गई, एक महीने की डोज गाइस। अभी जा रही है मौसी बाय करने का टाइम आ गया है। बहुत ज़्यादा टाइम बढ़िया रहा, पता भी ना चला। सही कह रही हूँ मैं, पता ना चलो। देखने इन दोनों को देखने। चुगली कर रहे हैं। करो 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 भाई। कह रही थी जल्दी मिलते हैं। मम्मी मैं आंटी घर जाके वीडियो कॉल करूँगा तुम्हें। हाँ, ये सही है। फिर तुम्हें करना, कुत्ते मेरे को नहीं ले आ सकता था। राखी आंटी सुन रही हैं आप, ये लोग क्या कह रहे हैं? उनकी संतुष्टि मिलती है भैया। बंदर कोई नहीं, हमारा हमारा वो मिल गया डोज। वो बंदर बंदर बाय बाय बंदर भैया, ले जाओ यहाँ इसमें रख के। बाय 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 बिट्टू, बाय भाई, ध्यान रखियो अपना, ठीक है? बाय 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 अंकल। गाइस हाँ तो गाइस, अब हमारी मम्मी हो गई अकेली दोबारा से। ये बैड सीन होता है पता है, बहुत ज्यादा। तू ज्यादा ही बन रहा, ज्यादा ही कर रहा है। ऐ चला ना। तो गाइस अब जाके वर्कआउट करना है, वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा। रात हो गई है, खाना वाना सब हो गया। मैंने थोड़ा सा सैलेड खाया था अपना, और दाल बनी थी अरहर की, और रोटी खाई दो। बहुत आज तो बहुत दिनों के बाद दाल खाई, मज़ा आ गया। गाइस हमारे घर में ना एक नया सिस्टम हो गया है। जैसे आप सबको तो पता है कि इस समय गाज़ियाबाद में धुंध और ठंड इतनी पड़ रही है कि धूप भी 3 दिन से नहीं निकल रही है, इतनी मुश्किल से भी नहीं निकल रही है। मम्मी सिर्फ आधे घंटे के लिए धूप निकल रही है, तो हम आर्टिफिशियल धूप में कपड़े सुखा रहे हैं। इतनी गरीबी आ गई है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। और मम्मी मेरी बुढ़ी हो गई है इस ठंड में। देखो ये है आर्टिफिशियल धूप। देखो थोड़ा सा कैमरामैन, थोड़ी सी लाइट बढ़ाओ। हाँ फोकस, तो गाइस ये देखो आर्टिफिशियल धूप। ये देखो कुछ दिनों बाद जेबी सूखेंगे यहीं पे। तो यहाँ पे वो लगाने का कुछ वो नहीं है, एंगर नहीं, तो मैं यहीं डाल दूँ तार। तुम तो हमें भी ऐसी तार में ही डाल दो यहाँ की। अब क्या करूं कि नहीं यहाँ तुम्हारा बिस्तर बिस्तर खराब नहीं हो। और बिस्तर से याद है एक चीज चेक करनी है। सुन, 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 सुन। हाँ क्या हुआ भाई? हाँ भाई 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 ये सुन भाई कि तूने हाँ जो मैंने कही थी हाँ भूल गया कि नहीं? क्या कही थी? गाइस हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस मेरी तो नहीं, मेरी अब कंप्लीट है और ये जरूरी है, तो वही सूख रहा है। और गाइस सरप्राइज सरप्राइज ये है कि हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो बताएंगे आपको कल के ब्लॉग में। गाइस अगर आप जानते हो तो बताना। आने वाले मैं बता रहा हूँ तकरीबन 6 या 7 ब्लॉग्स जो होंगे ना हमारी, मैं आपको बता देता हूँ। हम ट्रिप पे जा रहे हैं, हमारी 3 दिन की ट्रिप है, और वो जो 3 दिन की ट्रिप है वो 6 या 7 ब्लॉग्स में दिखाऊंगा आपको, जिससे कि मजा आए। आप धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़े आपका कि अब आगे क्या होगा क्या होगा। तो गाइस उस वीडियो को एंजॉय जरूर करना हमारी इस ट्रिप को, और ये वाला ब्लॉग भी है। तो गाइज इस ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
तो आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलेंगे कल सुबह एक नए तड़कते भड़कते ब्लॉग के साथ। कुछ कहना है? आउट्रो करने दिया करो, फिर बोला करो। नहीं कोई बात नहीं, अब हो गया, लेकिन बस आप लैंड एंड में वो देखो लैंड के बोलो ना। एक मिनट पहले तो मैं अपनी बटरफ्लाई लगा लूं। हाँ अब मैं दिखाती हूँ, मैंने ना सब्जी की तैयारी करके रखी, चलो दिखाओ, अभी दिखाओ। आएंगे देखो लंच, लंच की तैयारी डिनर में हो रही है, तो सुबह बनाऊंगी सब्जी ये वाली मिक्स वाली। हाँ। और पूरी। हाँ। और ये सब तो हम लेके जाएंगे, लाइट। हाँ। स्नैक्स करके जाएंगे, जैसे ब्रेड सेक के चाय से खा जाएंगे, क्योंकि सुबह ही सुबह 10 बजे तक यार नहीं। हाँ। खाया जाएगा खाना, तो ये इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि 6-7 घंटे का रास्ता है, तो हमको भूख लगेगी ही लगेगी, तो दो दो चार पूरी अगर पेट में जाएंगी तो उससे सबका भला होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने तैयारी रात में कर दी है, आटा सुबह लगेगा, वो भी पापा मार देंगे, तो गुड नाइट। गुड नाइट पीनू। नहीं तो मम्मी अभी कितने मिनट का व्लॉग कर देगी।